नमस्ते दोस्तों, आज हमने बनाया एक हारमोनियम के लिए एक बैग बनाया। एक हैवी वेट का हारमोनियम होता है जिसके कारण इसका बैग भी जो हैवी से हैवी बनाया जाता है। इसमें कोने के लिए, चारों कोनों के लिए और इसमें रख रखाव के लिए इसमें सारी सुविधाएं दी गई हैं। और जिस प्रकार से इसका मैन्युफैक्चरिंग किया गया है उस चीज़ को हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं। इसमें इसका ये बैक पार्ट हो जाता है। इसमें बैक पार्ट में आपको यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे चारों तरफ पैर मिलता है। और ये जो नायलन भी लगी होती है तो इस कपड़े को ही इस पे मड़ के लगाया जाता है ताकि भविष्य में अगर ये नायलन ख़राब हो जाए तो इस कपड़े पे पूरा बैक टिका हुआ हो। उसमें ये दो हैंडल दिया जाता है। हैंडल पर भी यहाँ पे एक जस्ते का लोहे का बढ़िया इसमें गुटका लगाया जाता है। दो पिनअप किया जाता है, सिलाई के बाद भी इसमें पिनअप होता है। इसमें अगर हम साइड से देखें तो इसमें यहाँ पे चिमटी दी जाती है ताकि बाइक चलाते समय हम इसके वजन को इस पीठ पे इस पर रोक सकें ताकि जिसके कारण से ये आगे पीछे ना हो। ये साइड से हो जाता है। और ये हमारा फ्रंट है। फ्रंट में हम इसके दो पॉकेटें देते हैं। एक ये हो गई डायरी रखने के लिए, ये छोटी पॉकेट हो गई टिकट पॉकेट के लिए। इसमें भी सब मोटे दाना की चैन इस्तेमाल की जाती है। और इसको अगर हम फ्रंट से देखें तो यहाँ पे ये जो हैंडल होता है हारमोनियम का, इसको भी काट के बाहर निकाल दिया जाता है ताकि ज़रूरत पड़ने पे इस हैंडल का भी इस्तेमाल किया जा सके। और ये हैंडल अगर ना हो तो इसका भी इस्तेमाल किया जा सके। दोनों ऑप्शन होता है इसमें। अब इसको अगर हम अंदर से देखते हैं तो ये हैंडल हो गया। सबसे पहले इसकी पुश क्लिप जो कि इसके भार को डिवाइड कर देती है। चैन पे जब बल कम पड़ेगा तो बैग ख़राब नहीं होगा, चैन जल्दी ख़राब नहीं होगा। इस पुश क्लिप को हम खोल लेंगे। एक म्यूजिशियन के लिए इसकी वाद्य यंत्र जो होते हैं प्राण से कम नहीं होता और इसकी सुरक्षा बहुत आवश्यक है। इसकी पूरी सुरक्षा की कोशिश की गई। और जिस जैसे ही हम बैग खोलते हैं तो इस पर आर्मी कलर का प्रिंटेड दिया जाता है ताकि एक देश की भावना भी जुड़ी रहे, एक संगीत की भावना भी जुड़ी रहे। अगर इसमें हम देखें तो ये चीज़ जो होती है पूरी फोम से कोटेड होती है। इसमें यहाँ पे फोम भी लगाया जाता है अच्छी क्वालिटी का ताकि ये ख़राब ना हो। और इसी तरीके से सब कुछ होता है इसमें ऐड। ये हमारी पेटी हो जाती है। अगर हम देखें तो ये पेटी पूरी फिक्स आ जाती है इसमें। ये हमारी हारमोनियम की जो पेटी है, हारमोनियम है, वो फिक्स आ जाती है। फिर इसके बाद इस हारमोनियम को इसमें हम रख लेंगे। ये हारमोनियम इसमें रखने के बाद यहाँ से बेल्ट निकाल लेंगे, ये कटा हुआ इसका जगह। फिर हम इसको यहाँ से कवर करके इसको बंद कर देते हैं दोनों तरफ से। यहाँ से ये बंद हो जाता है। बंद करने के बाद सबसे थोड़ा सा काम बढ़ने वाला यही है कि इसकी पुश क्लिप, इसकी पुश क्लिप को हम बंद कर लेंगे। ये हमारी पुश क्लिप हो गई। इसमें चार पुश क्लिप दी जाती है। ये पुश क्लिप हो जाती है हमारी। और ये हमारा फ्रंट हो जाता है। हारमोनियम का बैग है। ये पूरा वाटर प्रूफ होता है। वाटर प्रूफ और सन प्रूफ, ये दोनों प्रोटेक्ट करता है। इसके जो कपड़े की लेयर है सन को 30% रिफ्लेक्ट कर देती है और जो बारिश को 100% इसमें कोई भी पानी नहीं जा सकता है, एक बूंद भी। अगर आप भी इसमें का बैग बनवाना चाहते हैं या किसी भी वाद्य यंत्र का बैग बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक मिल जाएगा, आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप उससे संपर्क करके आप अपना माप देके अपने अनुरूप, अपने इच्छा के अनुरूप आप बैग बनवा सकते हैं। और मान लीजिए हमारी डिज़ाइन हो गई, अगर आपको अपनी डिज़ाइन के अनुसार बनवाना है, अपने मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से, तो उस हिसाब से भी आप बैग को बनवा सकते हैं। धन्यवाद।